हेलो एवरीवन, लेक्चर के सीरीज़ में ये हमारा थर्ड साइंस का लेक्चर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के, और इसके थ्रू फिर से हमारा स्कोप क्या रहने वाला है या हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं या हम क्या सीखने वाले हैं। तो द फर्स्ट इज़ अप्रोच, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो। द सेकेंड इज़ कि आप किस तरह से टेस्ट सीरीज़ और PYQs को यूज़ करेंगे या यूटिलाइज़ करेंगे फॉर योर ओन बेनिफिट। तो हमें इस चीज़ को और आगे बढ़ाते जाना है। आगे चलेंगे, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली पूछा है कि एटलस और अक्ष यानि एटलस और अक्ष यानि एक्सिस, इनके बीच जो भी जोड़ है उसका नाम क्या है, है ना। तो अब हमें ये पता है कि बहुत सारे तरह के जॉइंट्स होते हैं बॉडी में। अब उन जॉइंट्स में से ये कुछ तरह के जॉइंट्स हैं। आई अंडरस्टैंड कि इतना ज़्यादा डीप में प्रिपेयर करना इज़ टफ़, पर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू हम कुछ जानकारी इनके बारे में जुटा लें, ताकि अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे इजीली टैकल कर सकें या एटलीस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सैडल जॉइंट है। तो देखो, सैडल जॉइंट जो रहता है, नाम से समझ में आया, सैडल क्या होता है, जो घोड़ा रहता है ना उसके ऊपर जब वो जो उसके ऊपर जो बैठने के लिए अपन सवार जब उसके ऊपर बैठता है तो जो सैडल डालता है वो सैडल कहलाता है, ठीक है। तो सैडल जॉइंट कैसा होता है, इस तरह का रहता है, ठीक। ये सैडल है और इसमें इंटरलॉकिंग होगी दूसरी बोन की या दूसरी हड्डी की, है ना। तो ये सैडल जॉइंट हो गया, ठीक है। अगला अगर अपन देखें, फाइब्रस जॉइंट, ठीक। फाइब्रस जॉइंट यानी कहा जहाँ पर कुछ ना कुछ फाइबर इन्वॉल्व होगा, है ना। फिर तीसरा जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज के बारे में तो अपन सब पढ़ते हैं, बाकी ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा है अपने पास साइनोवियल जॉइंट। इसका आंसर अपने पास है साइनोवियल जॉइंट। हाउएवर जो यहाँ से अपने को सीखना है वो ये है कि ये सारे जॉइंट्स होते हैं और ये और भी बॉडी में कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर सैडल जॉइंट देखोगे तो जो थंब होता है ना, थंब का जो मेन पाम से अटैच रहता है वहाँ पर सैडल जॉइंट मिलता है, ठीक है। इस तरह से अपने को बाकी भी ऑप्शंस एक बार इसके थ्रू अपन अपना फैक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेसिकली आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, है ना। कार्टिलेजिनस हो गया, जैसे स्कल में पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर ये दिया हुआ है। मूवमेंट की अगर बात करें तो जो मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा अपने साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, है ना। और फाइब्रस जॉइंट्स में सबसे कम मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट्स मुझे पता है। ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, इतना डीप में कोई पढ़ता भी नहीं है एज इन, पर ये है कि एटलीस्ट अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है तो प्रीवियस ईयर उसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह के जो ऑप्शंस हैं इन पे थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर ली जाए, है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट एलिमिनेशन पॉसिबल हो। अगला है ना, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया जाता है। देखो, अब ये तो सबने बीटी कॉटन का नाम तो सबने सुना होगा, है ना। बीटी कॉटन बहुत टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। तो अब बीटी कॉटन, पहले जब अपन बीटी कॉटन पढ़ते हैं तो बीटी कॉटन में बीटी का क्या मतलब होता है, है ना। तो बीटी इज बेसिलस, है ना, थुरिंजियंसिस या जो भी तुम प्रनंस करो उसको, उसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, है ना। ये क्या करता है बेसिकली, बीटी जो रहता है ये एक सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरियम है, ठीक है। सॉइल में मिलता है ये, यानी मिट्टी में मिलता है ये बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, ये हमने इंट्रोड्यूस किया क्यों, जब हम किसी भी क्रॉप में या किसी भी नए बैक्टीरिया या कोई भी नया वायरस जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अगर किसी क्रॉप में, तो वो हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी को हम सुधार सकें, है ना। तो यहाँ पे हमने किस लिए किया उसको, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑप्शंस, ठीक। तो सूखा प्रतिरोध के लिए, ठीक है, ड्राउट रेजिस्टेंट। बैंगन को अपने को ड्राउट रेजिस्टेंट एज इन करने की आवश्यकता नहीं है ना, ऑलरेडी वो इतना है कि चल सकता है। दूसरा यह है कि अगर मैं कोई भी बैक्टीरियम
क्योंकि ब्रिंजल जो है वो ऑलरेडी एक ऐसा प्लांट है या क्रॉप है जो ख़राब हो ही जाएगा कम समय में, है ना। मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो पेरिशेबल बोलते हैं हम उसको। पेरिशेबल यानी क्या, जो जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो उसको सूखे के लिए मुझे एज एन प्रतिरोध डालने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, जीवाणु प्रतिरोध के लिए। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी भी कहीं भी अटैक कर सकते हैं, एज इन मैं बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी फॉर दिस, ठीक है। फफूंद या फंगस रेजिस्टेंस के लिए, है ना। तो मेरा मेन मोटो क्रॉप्स को फंगस से बचाना भी नहीं, उसके लिए मेरे पास फंजिसाइड्स हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कीट प्रतिरोध या इंसेक्ट, ठीक। जब तुम बीटी कॉटन भी बनाते हो ना, बीटी कॉटन जब बनाया है हमने तो वो किस लिए बनाया हमने, क्योंकि जो हमारी कॉटन थी या हमारी जो क्या बोलते कपास, कपास के ऊपर क्या हो गया, जो अपने पिंक बॉल वॉर्म होते हैं उनका अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। वो क्या करते थे, पूरी क्रॉप खा जाते थे, तो उनसे बचाने के लिए अपन ने बीटी कॉटन। पर अब पंजाब में कई सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ पे वो भी फेल हो गई है, मतलब इवन बीटी कॉटन पे भी बॉलवॉर्म जो है वो पिंक बॉलवॉर्म अटैक कर रहा है ना। तो मतलब क्या, इसका तो कोई अंत नहीं है, है ना। पर स्टिल उसको क्या है, उसको भी अपन ने कीट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोध या फिर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए ही बनाया था, ठीक है। तो सेम गोज फॉर बीटी ब्रिंजल एज वेल, ठीक है। यहाँ पर ये बस ये है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बीटी जो है वो क्या है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इससे स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी। देखो यहाँ पे वही है, अनुवांशिक तौर पे संशोधित फसल है, बेसिलस थुरियन जीनियस नामक एक मृदा जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और बीटी जो है वो क्या करता है पता है, गट लाइनिंग जो रहती है ना इंसेक्ट की, जो भी इंसेक्ट उसको खाएगा, कीट जो भी उस क्रॉप को खाएगा, वो क्या करेगा, उसका जो गट लाइनिंग रहता है ना उसमें थोड़ा सा परफोरेशन कर देता है, मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है वो जल्दी मर जाता है ना। तो उसका एक प्रोसेस भी देख सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन शायद कहीं पर आया था कि बीटी काम कैसे करता है ना, तो वो एक बार देख लेना। मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है। देखो विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन्स तुम्हारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ये तो पढ़ते ही हैं कि विटामिन्स किसने खोजे, है ना, वो तो फैक्चुअल पार्ट है हमारा, ठीक है। तो विटामिन्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए अपने को, सबसे पहला है कि उसको डिस्कवरी किसने किया, ठीक है, किसने ढूंढा उसको या किसने नाम दिया, ठीक, इन दोनों चीज़ों में से जो भी अगर दिया हुआ है वो। दूसरा, अगर उसका कोई दूसरा नाम है उस विटामिन का, है ना, जैसे अगर तुम देखोगे तो विटामिन ए रेटिनॉल बोलते हैं, है ना, थायमीन बोलते हैं, है ना, फाइलोक्विनॉन, ये सारे विटामिन के ऑल्टरनेट नेम्स हैं। तो दूसरा ये कि उसका दूसरा नाम क्या है। तीसरा, वो क्या चीज़ें हेल्प करता है, मतलब जैसे उसकी कमी से कौन से डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, उनका नाम स्पेशली। जैसे अभी देखा होगा तुमने कि कैडमियम के पॉइजनिंग की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, इटाइटाई डिजीज़ के ऊपर पिछली बार क्वेश्चन आया था, है ना। तो जो ऐसे नाम वाले डिजीज़ है ना कि ये डिजीज़ इसकी वजह से होती है, वो तो बिल्कुल कर ही लो पूरा, है ना, वो नहीं छोड़ना है, वैसे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वो ईजी होते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, देखो विटामिन ए जो होता है ना, क्या है अपने को, खून का थक्का, विटामिन ए, देखो विटामिन ए जो रहता है वो आँखों की रोशनी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यानी इसकी अगर कमी होती है तो किसी भी तरह का आँखों से रिलेटेड रोग हो सकता है ना, जेरोप्थैल्मिया होता है, जेरोप्थैल्मिया यानी आँखों, जीरो, देखो जीरो जहाँ भी वर्ड आ जाता है ना, XERO, ये जहाँ भी वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब होता है सूखा, ठीक है। ऐसे ज़ेरोफाइट्स होते हैं, है ना, जो सूखे में प्लांट्स उगते हैं, जेरोप्थैल्मिया, ऑप्थल यानी आँख होता है, ज़ीरो यानी होता है सूखा, तो आँख क्या होती है, ड्राई हो जाती है एकदम, ठीक है। तो ये एक तरह का रोग हो गया ए, विटामिन ए की वजह से। तो ये इस तरह की चीज़ें अपने को देखनी है कि विटामिन ए की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, क्या कमी होती है, उसका क्या इलाज होता है, विटामिन ए अपने को किन किन चीज़ों से मिलता है, ठीक है। ये हो गया विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं ना, विटामिन ए की वजह से इन्फेक्शन जो होता है वो सबसाइड होता है या कम, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, इसलिए ये भी एक बार देख लेना, विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन होता है। दूसरा देखो विटामिन बी, बी के बहुत सारे टाइप्स हैं, B9 है, B12 है, B7 है, है ना, बायोटिन है, उसके भी अलग अलग नाम है, ठीक है। अब उसमें भी बी की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है वो होती है बेरी बेरी, ठीक है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बेरी बेरी में क्या होता है,
ठीक है, विटामिन बी अगर बेरी बेरी, ये तो सबको पता है कि विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, पर ये भी पता रखो कि बीस बेरी बेरी में क्या होता है। मान लो पूछ लिया कि ये चीज़ किस में होती है, तो तुम्हें पता होगी बेरी बेरी में होती है। ठीक है, ठीक। थर्ड है अपने पास विटामिन के। देखो विटामिन के जो रहता है ना, ये अपने बहुत सारे, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि खून का थक्का जमने में हेल्प करता है ना। इसके अलावा जब भी खून का थक्का जमाना है ना, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बहुत सारे 12 से 13 मेरे ख्याल से प्रोटीन्स लगते हैं उसमें। ठीक है, अब इसमें भी जब विटामिन के जो रहता है ना, वो सिंथेसिस में हेल्प करता है ना, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन या कुछ तो भी ऐसा वो है ना, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसकी वजह से खून का थक्का जमना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट्स विटामिन्स के बारे में पता होने चाहिए, है ना। अगर विटामिन्स अभी इस तरह से नहीं पढ़े हैं, तो एटलीस्ट एक बार खोलो उनको और इस तरह से पढ़ो उनको। कैसे पढ़ोगे, पहला विटामिन, उसका अगर दूसरा कोई नाम है, उसको किसने खोजा है, उसकी वजह से क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या रोग हो सकता है ना, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, और अगर वो कम है तो क्या हो सकता है, छठा वो किन किन चीज़ों से हमें मिलता है। ठीक, प्रोथ्रॉम्बिन या फाइब्रिन, है ना। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें अपने को, एटलीस्ट विटामिन के बारे में ये 6 एस्पेक्ट्स अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी शायद क्वेश्चन आया था कि कौन से विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, जब तुम विटामिन पढ़ना शुरू करोगे ना, तो ही तुम्हें पता चलेगा कि ए डी ई के जो हैं ये चारों फैट सॉल्युबल होते हैं, बाकी जो हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो सिंपल सा फैक्ट है, पर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार सॉल्व हो जाते हैं, या तो मेंस में आया था या प्री में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर इस तरह के फैक्ट्स या इन एस्पेक्ट से अपने को विटामिन पढ़ना है। ठीक है, हर टॉपिक पढ़ने का एक एस्पेक्ट है, उसको सीखते जाओ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, डी तो जानते ही हो, सूरज की रोशनी से मिलता है ना, हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम का सिंथेसिस करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि के जो है वो शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है ना, बाकी तुम लोग पढ़ लेना इसको आगे। ठीक है, अगला, IIFM या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दो चीज़ें हैं, एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, एक फॉरेस्ट रिसर्च है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होते हैं अपन हमेशा। ठीक है, ध्यान रख लो, मैनेजमेंट जो है वो भोपाल में है, रिसर्च जो है वो जबलपुर में है। ठीक है, और वो भी जब इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो ये देहरादून में है। ठीक है, इसी का एक पार्ट या इसी का एक ऑफसेट जबलपुर में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है, तो जब भी पढ़ो, जैसे मान लो जब तुमने पढ़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, तो उस वक्त अपने दिमाग में एक बार रिकॉल कर लो कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो यहाँ है, रिसर्च कहाँ पर है ना, मतलब रिलेट करो दो चीज़ों को। नहीं तो क्या होता है, जब यहाँ रिलेट नहीं करते हैं ना, तो एग्ज़ाम में जाके रिलेट करने लगते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो यहाँ है, रिसर्च कहाँ है ना, तो फिर वो कन्फ्यूजन वहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब पढ़ो तो अपने बाकी फैक्ट्स को भी रिलेट करो आपस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने 3 चीज़ें देख ली, मैनेजमेंट भोपाल में है, रिसर्च जो है वो जबलपुर में है ना, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। ठीक है, 3 चीज़ें या 4 चीज़ें जो भी है, क्या है, मैनेजमेंट ना भोपाल में है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और याद तैयार हो गई कि 1982 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, इसलिए कहते हो क्वेश्चन सॉल्व करो, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। देखो 2 इकोसिस्टम है या 2 पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अब 2 इकोसिस्टम में देखो सिंपल सी चीज़ मान लो, है ना, मान लो 2 इकोसिस्टम यानी एक है कोई जंगल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई नदी है, ये जंगल और नदी के मिलने वाला एरिया है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे सुंदरबन तुमने देखा है ना, नदी और समुद्र का मिलने वाला एरिया है वो। ठीक है, तो क्या होगा इस वाले एरिया में, मुझे बताओ, ये एक इकोसिस्टम या एक पारिस्थितिकी तंत्र है मेरा, ये मेरा दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, टर्म के ऊपर अपन बाद में जाएंगे, टर्म वो है अपना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको समझ लो बस, अगर 2 पारिस्थितिकी तंत्र हैं तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से ही जगह पे होगी, E1 में होगी, E2 में होगी या यहाँ पे होगी, बीच में होगी, क्यों होगी बीच में,
एग्जैक्टली है ना. तो देखो ये कॉमन सी बात हो गई है ना. अगर अपने को नहीं भी पता है, मान लो कल को क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी हायर है ना, कहाँ पर है, तो अगर मुझे नहीं भी पता है कि यहाँ पर होगी, तो मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर कम होंगे, पर यहाँ पे दोनों का मिक्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगी. तो तुम्हें अगर, चलो इसका आंसर क्या है अपना, इकोटोन है ना, इकोटोन बोलते हैं इस एरिया को, ठीक है. अब हिंदी में दिया हुआ नहीं है, हिंदी में मुझे पता भी नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर इकोटोन है ये, ठीक है. इकोटोन वाले एरिया में क्या होता है, यहाँ का भी है ना, ट्रांजिशन है ये जोन, दोनों के बीच का एरिया है जहाँ दोनों एरिया मिलते हैं, इसीलिए यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है. तो अगर तुम्हें सिर्फ ये भी पता है कि इकोटोन कौन सा एरिया है, कल को अगर इसकी बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आ गया है तो तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो, है ना, छोड़ के नहीं आना है, घबराना नहीं है कि ये क्या है, ठीक है. इकोस्फीयर एक बार टर्म देख लेना, इकोस्फीयर टर्म है, बायोस्फीयर जैसा कुछ है, उसको एक बार चेक करना, ठीक है. ये हो गया, ठीक है. एग्जाम्पल देखो, मैनग्रूव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है. सुंदरबन जो मैं कह रही थी वो भी तुम्हारा मैनग्रूव है, वो भी एक इकोटोन है, ठीक है, वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. मैनग्रूव एक अच्छा एग्जाम्पल है. सिक्स्थ, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है ना, जैव विविधता का तप्त स्थल या बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, ठीक है. तो हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, अपन मोबाइल में हॉटस्पॉट लेते हैं ना, जहाँ पे इंटरनेट जो है वो तेज़ चले, ठीक है, इंटरनेट जो है वो अच्छा चले, ठीक है, तो वो अपने इंटरनेट के लिए हो गया. यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जैव विविधता का तप्त स्थल, है ना, यानी बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पाई जाती हो, ठीक है. तो देखो इंडिया के बारे में जब भी पढ़ोगे, वैसे तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैव विविधता टर्म किसने दिया है ना, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में जैव विविधता के कितने सारे हॉटस्पॉट्स हैं, एटलीस्ट नंबर एक बार देख लो, क्योंकि एमपीपीएससी को बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें. और चौथी चीज़ कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ये तप्त स्थल, ठीक है. तो अगर तुम इंडिया में देखोगे तो इंडिया में तुम्हें चार चीज़ें, मैप नहीं बना रही हूँ मैं, मान लो ये इंडिया का एक शेप है, ठीक है. तो इंडिया में अगर तुम देखोगे तो चार जगहों पे तुम्हें मिलेंगे हॉटस्पॉट्स, ठीक. पहला तुम्हारा हिमालय, ठीक. दूसरा तुम्हारा जो वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट्स हैं, ठीक. तीसरा तुम्हारा यहाँ इंडो बर्मा वाला एरिया है, इंडो बर्मा यानी बर्मा सबको पता है, बर्मा पहले म्यांमार जो अब है वो बर्मा वाला रीजन है ना, तो ये तुम्हारा इंडो बर्मा वाला रीजन. और चौथा तुम्हारा सुंडालैंड, सुंडालैंड जो है वो एरिया है पूरा जो कि इंडोनेशिया और बोर्नियो उन सारे आइलैंड्स को मिला के हमारे यहाँ वाला अंडमान और निकोबार वाला हिस्सा कवर करता है, ठीक. बड़े एरिया का नाम सुंडालैंड है पूरा, वो सारे उन अपने आइलैंड वाले एरियाज़ को भी मिला करके, यहाँ पर अपने यहाँ जो सुंडालैंड का पार्ट है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ठीक है. तो ये चार जगह हैं, ठीक. तो ये चार पांच चीज़ें तुम्हें बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट या जैव विविधता के तप्त स्थल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अभी अपन देख लेते हैं क्या है, क्या पूछा उन्होंने, कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है, ठीक है. अभी अपन ने देखा पश्चिमी घाट है इसका, चार थे, है ना, चारों में से कौन सा आ रहा है यहाँ पे अपना, पश्चिमी घाट. देखो मैप बनाने से क्या होता है ना, चीज़ें फोटोग्राफिक मेमोरी अपनी बहुत रहती है. फोटोग्राफिक मेमोरी यानी क्या, कुछ देखा अपन ने और याद रह गया, है ना. तो इस तरह की चीज़ें कोशिश किया करो कि कोई एक छोटा सा मैप बना लो, ये डायग्राम बना लो, है ना. अब जैसे मान लो तुमने अपनी कॉपी में ऐसा मैप बना लिया, तो अब तुम्हें हमेशा दिखेगा कि यहाँ हिमालय है, यहाँ पश्चिम घाट है, यहाँ अपना सुंडालैंड है या अंडमान है, और इस तरफ परिंडो वर्मा है, बस चार ही है, ठीक. अब नहीं भी रिवाइज़ किया तो लंबे टर्म के लिए याद रहेगा वो, है ना. तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, अपनी पढ़ाई सिंप्लीफाई करो, ठीक है. यहाँ भी वही लिखा है, सुंदरलैंड लिखा है, सुंडालैंड कर लेना उसको, है ना. वायु की गति का मापन किया जाता है. देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था कि अपने को शब्द क्या दिया है, शब्द का अर्थ क्या है, उससे अपन बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, ठीक है. जैसे अपन ने पिछली बार भी किया था बैरोमीटर, है ना, मैंने बोला बार जो है वो है ना, बैरोमीटर क्या हुआ, नहीं वहाँ क्या हुआ,
अच्छा ओके, जैसे बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर तो अपन ने क्या बात की, बैरो है ना, मैंने पहले भी बोला था कि ये बार जो है वो यूनिट भी होती है दाब या प्रेशर को नापने की, है ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अपने को ये जो है ये अपना प्रेशर या दाब नापने के लिए होता है, ठीक। हटा दिया, हाइग्रोमीटर पिछली बार भी अपनी बात हुई थी, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए होता है, ठीक है। तीसरा अपना अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा, वायु की गति थर्मामीटर से क्यों नापूंगी मैं, कैसे नाप सकती हूँ मैं, है ना, ये भी हटा दिया। बचा कौन, एनीमोमीटर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो तुम्हें चीज़ सीखनी है वो ये है, एनीमो का मतलब होता है विंड, ठीक है। तो अब तुम्हें एनीमो से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाए, जैसे एनीमोमीटर तो एक शब्द हो गया, कई जगहों पे देखोगे एनीमोग्राफ होता है एक शब्द, ठीक है। तो ये भी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ये तो समझ आ रहा है कि एनीमो जो है विंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को सीखो, ठीक है। एनीमो यानी विंड होता है, तो अब आगे अगर एनीमो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको उस तरह से भी डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, डी, कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई इटाई रोग कराता है ना, अभी अपन बात कर रहे थे इटाई इटाई, है ना। देखो जब उसमें लिखा है ना, तुम्हारे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है या तुम्हारे कोर्स में लिखा हुआ है कि तुम्हें डिजीजेस पढ़नी है, है ना, रोग जो है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो रोग पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर जो भी होता है मनुष्य को वो पढ़ने चले जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है जो रोग ऐसे हैं जो नाम है ही कि मान लो इटाइटाई डिजीज़, ठीक है। तो इटाइटाइटाइज तुम ना 10th पढ़ो या 11th 12th पढ़ो तो उनमें भी क्या होता है, किताबों में डार्क ब्लैक कलर में या लैटिन में ये सारे डिजीज़ के नाम दिए हुए रहते हैं, है ना। तो ये क्या होती है, ये हॉटस्पॉट्स अपने लिए होते हैं कि अपन इनको चूज़ करें कि हाँ इटाइटाई डिजीज़ जो है वो तो कैडमियम से होती है, है ना। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो डायरेक्टली दिख जाती हैं वो चीज़ें एटलीस्ट निकाल लो, ठीक है। तो इटाइटाई जैसे यहाँ पे हो गया कैडमियम प्रदूषण से होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन से सीखो क्या है, पारा प्रदूषण, पारा इज मरकरी, है ना, मरकरी आप लोगों के थर्मोमीटर में होता है, ठीक है। तो पारा प्रदूषण से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं मीनामाटा, ठीक, मीनामाटा डिजीज़। मीनामाटा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मीनामाटा जो है वो एक जगह थी जापान में, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, मरकरी पॉइजनिंग के कारण या मरकरी रिलीज़ हुआ जिसके कारण बहुत ज़्यादा त्रासदी सी मच गई, तो उसकी वजह से वो डिज़ीज़ जो है वो क्या हो गई, मीनामाटा डिज़ीज़ हो गई, ठीक है। तो अब तुम्हें ये स्टोरी बता दी मैंने, तो अब तुम्हें याद रहेगा कि मीनामाटा मरकरी से होता है, मीनामाटा एक सिटी है कहाँ पर, अपने जापान में, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया आर्सेनिक प्रदूषण, आर्सेनिक से कौन सी डिजीज़ होती है ये अपने को देखना है, ठीक है। आर्सेनिक से एक ब्लैक फूड डिजीज़ नाम की होती है, ठीक है, ब्लैक फूड डिजीज़ जो है वो आर्सेनिक से होती है। देखो आर्सेनिक का सोर्स जो रहता है ना, आर्सेनिक बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि वेस्ट बंगाल या कुछ आसपास के एरियाज़ में कुछ कुएँ हैं जिनके पानी से आर्सेनिक निकल रहा है, ठीक है। आर्सेनिक जो रहता है ना वो जियोजेनिक होता है, जियो यानी क्या होता है, जियो और जेनिक का मतलब देखो, जियो और जेनिक, जियो यानी होता है अर्थ, ठीक है, या अर्थ का शेप, ठीक है। तो जियो यानी होता है अर्थ और जेनिक यानी होता है उससे जेनरेट होता है या उससे प्रोड्यूस होता है या उससे है ना, हाँ जो भी, ठीक है, तो उससे प्रोड्यूस होता है, तो जियोजेनिक हो गया। तो आर्सेनिक जो रहता है ना वो कई बार पानी में भी इस वजह से मिल जाता है, नेचुरल वाटर है कई जगह एक्वेफर्स में, या एक्वेफर यानी नीचे जो चट्टानों में पानी स्टोर रहता है कई बार उनमें भी आर्सेनिक मिलता है, है ना। तो आर्सेनिक प्रॉब्लमैटिक है, और क्यों प्रॉब्लमैटिक ज़्यादा है, जब अपन पानी बहुत ज़्यादा ज़मीन से खींच लेते हैं तो नीचे का पानी बचता है, वो जो रहता है वो और ज़्यादा कंटामिनेटेड रहता है ना, क्योंकि क्या होता है जो अपनी चट्टानें हैं जो अपना सॉइल है उससे भी आर्सेनिक आ सकता है, ठीक है। आर्सेनिक से होता क्या है, ब्लैक फूड डिजीज़, ठीक है। अगला हो गया नाइट्रेट प्रदूषण, नाइट्रेट जो है उससे होता है अपना ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना, सबने पढ़ा है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आया था शायद नाइट्रेट का ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो हमारा जो खून रहता है वो ऑक्सीजन लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन जो रहता है हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जब ये ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी में नाइट्रेट की वजह से कोई परेशानी आती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम
हो जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रेट, अब यहाँ पे क्या है, अपन प्रीवियस ईयर्स को यूज़ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे तुमने सीख लिया कि पारा से मीनामाटा होती है, आर्सेनिक से ब्लैक फूड डिजीज़ होती है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना। तो तीन फैक्ट्स तो अपने यहीं तैयार होंगे, ठीक है। इसी तरह से यूज़ करना है आपके टेस्ट सीरीज़ को भी और आपके प्रीवियस ईयर्स को भी। प्रीवियस ईयर्स को इतना लाइट नहीं लो, है ना। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है, ठीक है। प्रसंस्कृत फल उत्पाद है ना, तुम्हारे सब्जेक्ट में है फूड प्रोसेसिंग, है ना, है ना। तो वो उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तुम ना गूगल पर सर्च करना फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड MCQs या MCQs ऑन फूड प्रोसेसिंग, उसमें पहली या दूसरी साइट खोलना या दोनों खोल लेना, उसमें तुम्हें 20 के लगभग क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा, है ना। फूड प्रोसेसिंग इतना छोटा टॉपिक है, इतना कम टॉपिक है वो, कि उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं मिलते हैं। तो जब क्वेश्चन, जब पेपर के लिए पढ़ो ना, फूड प्रोसेसिंग टॉपिक पढ़ो ना, तो एक बार उसको गूगल पे MCQ सर्च कर लो, है ना। और जो भी MCQs आए उनमें से देख लो कि अपने हिसाब के कौन से, उन भी वो 20 आएंगे, उसमें से भी तुम्हारे काम की मुश्किल से 10-12 क्वेश्चंस हैं, तो उनको एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे FPO है ना, FPO जो है वो अपना फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होता है एक तो, और दूसरा यहाँ पे जो है, यहाँ पे है वो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे थे कि किसकी किसके लिए, प्रसंस्कृत फलों, फल उत्पादों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये F का मतलब ही फ्रूट है, है ना। तो अगर तुम्हें इसका फुल फॉर्म मालूम होता तो भी काम हो जाता, पर एज इन फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है ये, ठीक है। दूसरा है अपना ISI तो सबको पता है, अपन कुछ भी सामान लेने जाते हैं, इंडस्ट्रियल सामान, अपन पूछते हैं ISI मार्क तो है ना। तो ISI हो गया, ISI हटा दो। BEE सबको पता है, BEE क्या है, जब अपन कोई भी फ्रिज और AC और इस तरह की चीज़ें लेने जाते हैं तो अपन पूछते हैं कितना स्टार रेटिंग है, 1 है 2 है 5 है, जितना ज़्यादा रेटिंग उतनी ज़्यादा बिजली बचाएगा, वो BEE मार्किंग से है, ठीक है, ये हटा दिया। चौथा है हॉलमार्क, हॉलमार्क तो सबको पता है, सोने का, सोने पे हॉलमार्क होता है, चांदी पे हॉलमार्क होता है ना, हॉलमार्क हटा दिया। बचा क्या, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ठीक है। वैसे भी फुल फॉर्म भी पता होता तो भी कर लेते, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है उसका, आयुष। सिंपल क्वेश्चन एकदम, बहुत सिंपल, इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया था पिछली बार, और ये बहुत, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ठीक है। ये तुम्हारे मेंस के सिलेबस में भी है, आयुष के ऊपर अभी गवर्नमेंट बहुत ध्यान भी दे रही है ना, मिनिस्ट्री, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, मिनिस्ट्री कब बनी, ठीक है, पहले डिपार्टमेंट की तरह काम करती थी, अभी अगर देखे तो मैं पूछूँ अगर कि होम्योपैथी जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, तो बहुत सारे, किसी ने मुझे बोला था इंडिया में हुई है, इंडिया में नहीं है होम्योपैथी, है इंडिया से नहीं आई है होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ें पता कर लो, देखो जैसे आयुर्वेद हो गया, ये तो पता है सबको, है ना। वाय से योग हो गया, है ना, योग के बाद यू जो है अपना ये हो गया यूनानी, ठीक है। एस जो है ये हो गया सिद्ध, ये पढ़ोगे तो तमिलनाडु के आसपास का वो एरिया है ना, सिद्धार्थ बोलते थे उनको, वो लोग क्या करते थे, आयुर्वेद से ही प्रभावित एक थेरेपी है नेचुरल मेडिसिन की। एच जो है वो है होम्योपैथी, है ना, होम्योपैथी जो है वो जर्मनी का इवोल्यूशन है होम्योपैथी का, है ना, हैनमैन जो है इसके फादर हैं, जर्मनी का वो है ना। ये इस तरह की चीज़ें इनके बारे में पढ़ लो, जैसे आयुर्वेद के फादर कौन है ना, फिर अपने आयुर्वेद में धन्वंतरी को गॉड माना जाता है ना, धन्वंतरी को माना जाता है कि वो उन्होंने शुरू करा। एच अपना होम्योपैथी है, होम्योपैथी जो है हैनमैन ने शुरू किया, जर्मनी का है, ठीक है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में पढ़ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं एज इन इसमें, इसलिए है ना। ये कब डिपार्टमेंट बना, कब अपना मिनिस्ट्री बन गई, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनके ओरिजिनेट करने वाले या इनको शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति का नाम एसोसिएटेड है तो, है ना। ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, पर इससे तुम्हें एक नंबर दो नंबर मिल जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। तो ये तो हो गया अपना, क्या है इसका आंसर, एलोपैथी योग प्राकृत चिकित्सा, नहीं यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, है ना, ये है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन से सीखो कि क्या पढ़ना है, है ना, आगे की एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी है। क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, है ना। देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आयुष मंत्रालय, गलत आ रहा है क्या,
देख लेते हैं ना क्या है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एलोपैथी है ना? एलोपैथी तो है ही नहीं, नेचुरल मेडिसिन की बात कर रहे हैं ना हम, तो एलोपैथी तो आएगी नहीं। हमने यहाँ पे बात की आयुर्वेद है, आयुर्वेद है ये, ठीक है, ये आयुर्वेद है, ठीक, सॉरी। चलो, ये आयुष मंत्रालय की स्थापना डेट भी दे दी है, 9 नवंबर 2014 को हुई है। तो प्रीवियस ईयर्स जब भी लगाओ तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने लिए एक डेवलप करते जाओ, है ना। प्रीवियस ईयर्स को हल्के में नहीं लेना है अपने को, ठीक है। ओके, थैंक यू।